और आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। आइए चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। जबलपुर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ईडी द्वारा सोनिया गांधी से की जा रही पूछताछ को बेफिजूल काम बताते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस पार्टी की परीक्षा ले रही है, जबकि इस मामले में कोई भी केस नहीं बनता, लेकिन केंद्र सरकार ईडी और आईटी संस्थानों का उपयोग विरोधियों के खिलाफ कर रही है। वह रविवार को जबलपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे। इस दौरान सांसद तनखा ने राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की तरफ से हुई क्रॉस वोटिंग को एक चिंतन का विषय बताया, लेकिन इसे एक सामान्य प्रक्रिया भी करार दिया, क्योंकि पूर्ववर्ती चुनाव में भी हर पार्टी की तरफ से व्हिप न होने के कारण क्रॉस वोटिंग होती रही है। ये कोई अनहोनी घटना नहीं है, चिंता का विषय है। अनहोनी इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप नहीं होता, तो यू आर अलाउड, यू कैन वोट लीगली एज पर योर कॉन्शियंस, मतलब इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता। और राष्ट्रपति के चुनाव में अक्सर क्रॉस वोटिंग हो भी जाती है, क्योंकि कई दफ़े इमोटिव इश्यूज भी आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मिसेस पाटिल चुनाव लड़ रही थी राष्ट्रपति का, तो शिवसेना एनडीए का एलाय था, मगर शिवसेना ने उस वक्त यूपीए के साथ वोट किया था। तो ये कोई नई घटना नहीं है, ये चीज़ हो जाती है और इस पर बहुत ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए, मगर चिंतन का विषय है। एक्शन लेंगे ऐसे विधायक? एक्शन कैसे लोगे आप? उन्होंने कोई व्हिप थोड़ी थी। एक्शन होता है जब व्हिप होती है, जब व्हिप नहीं है तो आप, अच्छा दूसरा, आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इसमें कोई क्या होता है, राज्यसभा में आपको यू हैव टू शो योर व्हिप बैलेट, दिखाना पड़ता है, तो उस पर एक्शन होता है। यहाँ तो ये सीक्रेट बैलेट है, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा थी सर, 19 विधायकों का वोट करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक झटका है। नहीं देखिए, मैडम मुर्मू एक ट्राइबल कैंडिडेट थी, संघर्ष करके वो लाइफ में इस स्टेज तक पहुँची हैं। कई दफ़े लोग इमोशन से भी बह जाते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा रीड नहीं कर सकता। उनको जीतना तो वैसे भी था, खाली 10-5 कुछ वोट्स और एक्स्ट्रा आ गए, बट इट्स ओके। बीजेपी ने एक बड़ा डिक्लेरेशन किया है, उन्होंने कहा है जो मुफ्त के वादे हैं वो घोषणा पत्र में फ्री देने वाले वादे हैं वो हटा रही है। देखिए, मैं इन चीज़ों का कभी विरोधी नहीं हो सकता, मगर प्रॉब्लम दूसरी है इस देश की। अगर हम गरीबों के बारे में सोचना बंद कर देंगे तो ये देश चलेगा कैसे? मैं भी चाहता हूँ कि सब्सिडी कम होनी चाहिए, जो पैसा है सरकार का वो डेवलपमेंट वर्क में लगना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ। मतलब प्रॉब्लम इज 135 करोड़ जनता में से 80% जनता आपकी गरीब है। अब आपको उनको अगर सस्ता खाना देना है, और खाना तो देना पड़ेगा ना, आप भोजन तो दोगे उनको, आप उनको रहने के लिए कोई शेल्टर तो दोगे,